सिंचाई के लिए बंजर जमीन में गड्ढा खोद रहा था किसान, तभी हुई अद्भुत खोज। नमस्कार दोस्तों, अतीत की दुनिया में आपका स्वागत है। अतीत की दुनिया से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के लाल बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। कई बार लोगों से अचानक ही कुछ ऐसी खोज हो जाती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। अमेरिका के नेवाडा में रहने वाले एक किसान के साथ 20वीं शताब्दी में ऐसा ही कुछ हुआ था। उसने एक ऐसी खोज की जिसने आज भी लोगों को हैरान कर रखा है। बंजर रेगिस्तान में करना चाहता था खेती। इस शख्स के पास जो खेत का टुकड़ा था वो इलाके के बंजर क्षेत्र में आता था। फसल के दौरान उसे सिंचाई में बड़ी समस्या होती थी। ऐसे में खेती के लिए उसने वहाँ एक गड्ढा खोदने का फैसला किया। चूंकि उस जगह पर पानी का स्तर काफी नीचे था, इसलिए गहरा गड्ढा खोदने की जरूरत थी। काफी देर कोशिश के बाद किसान को सफलता मिल गई, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। दरअसल जो पानी निकला था वो 200 डिग्री पर खोलते हुए पानी जैसा था। किसान ने तुरंत उस एरिया को खाली कर दिया और पानी के बारे में भूल ही गया। लेकिन गर्म पानी के उस छेद ने धीरे धीरे बेहद खूबसूरत रूप ले लिया। आज उस जगह की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। 1964 में वहाँ एक टीम बेहतर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई थी, लेकिन पानी के इस काम को तुरंत ही रोक दिया गया। दरअसल यहाँ से निकलने वाले पानी का प्रेशर काफ़ी तेज होता है, इसे फ्लाई गीजर के नाम से भी जाना जाता है। पानी में मौजूद मिनरल्स के कारण यहाँ एक रंग बिरंगे पहाड़ का निर्माण हो गया है जिससे गर्म पानी निकलता है।